exception. So, Aditya, we have, are you continuing? तो सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो अपना समय दिया हमारे डूडलिंग वर्ड्स को. और उसके बाद मैं सर के बारे में ज़्यादा बोलूँगा. मतलब स्कैम 1992 आने के बाद शायद ही मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे जो सर के बारे में ना जानते हों. और बहुत सारे, मतलब मैं मल्टीटास्कर कहना चाहूँगा सर को कि सर सबसे पहले तो मैं सर की पहले की लाइफ, जब सर ने अपनी एजुकेशन सयाजी राव यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया, उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी क्रिएटिव जर्नी उन्होंने स्टार्ट की, और उसके बाद फिर बॉम्बे. और बहुत काम किया है सर ने एक्टिंग फील्ड में भी, उसके अलावा राइटिंग फील्ड में भी. क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव डायरेक्शन सर का, और उसके अलावा इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के सर कोच रहे हैं. और बहुत सारे मूवीज़ में सर ने एक्टिंग कोचिंग करी है एक्टर्स के लिए. तो सबसे पहला मैं सीधे सर सवालों पे आता हूँ आपके बारे में. तो लगभग हमारे फ्रेंड सर्कल में और डूडलिंग वर्ड्स में तो लगभग सारे लोग जानते हैं, और आपका इंट्रो इतना ही काफ़ी था. मेरा सर सबसे पहला जो सवाल था, जब मैं हर्ष से बात कर रहा था और उसने मेरे अंदर केवल यही एक सबसे पहला सवाल उससे भी आया था कि ये टॉपिक जो एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग, ये कहाँ से आया. तो हर्ष ने मुझे बताया कि ये सर के तरफ से ही मेरे पास सजेशन था. तो मैंने कहा तो सबसे पहला सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस सवाल के बनने के पहले की जर्नी क्या रही है लंबी रही है. बहुत सालों का समय लगा है उसमें. मेरी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई है. सूरत के नज़दीक एक कुंवरदा नाम का गांव है जहां मैं पैदा हुआ, और फिर थोड़ी बहुत स्कूलिंग वहां की, फिर मैं रेसिडेंशियल स्कूल चला गया, वहाँ पे पढ़ाई की, फिर मैं बीएससी केमिस्ट्री किया मैंने, फिर सयाजी राव यूनिवर्सिटी में ड्रामा का कोर्स किया, उसके बाद एनएसडी का कोर्स किया. और थ्रू आउट द जर्नी जब मुझे पता चला, 12th स्टैंडर्ड में मैं था और मेरे सामने अचानक एनएसडी का ब्रोशर आ गया, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं पर जाना है, और फिर उसी तरफ मैं बढ़ता चला गया. और थ्रू आउट ये पूरी जर्नी जब तक मेरी चली, तब तक मैं यही समझता रहा कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट शोइंग. एक्टिंग का मतलब ये है कि आप परफॉर्म करो, आप लोगों को दिखाओ कि आप फलाने इमोशन से, फलाने थॉट से, या फलाने सरकमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे मैं डीप जाता गया, जैसे जैसे मैं एक्टिंग को ज़्यादा खंगालता गया, जैसे जैसे ज़्यादा समझता गया, एक तो दो तरह के क्राफ्ट है, एक तो आप थिएटर में एक्टिंग करते हो उसका क्राफ्ट अलग है, एक आप जब सिनेमा में काम करते हो तो उसका क्राफ्ट अलग है. तो व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तब जाके ये फिलोसॉफी ज़्यादा वर्क करती है दैट एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट एक्टिंग. तो इस सवाल तक पहुँचने, इस कंक्लूजन तक पहुँचने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिंग करनी चाहिए इस प्रोसेस से गुजरा, और जब इस प्रोसेस से निकला तब जाके पता चला कि एक्टिंग इज नॉट एक्चुअली अबाउट एक्टिंग, इट इज़ अबाउट बीइंग, इट्स अबाउट बीइंग इन दैट मोमेंट, इट्स अबाउट बिकमिंग दैट कैरेक्टर रादर देन एक्टिंग दैट कैरेक्टर और प्रिटेंडिंग दैट कैरेक्टर. तो हाँ, वहीं से आया जीवन भर के संघर्ष और जीवन भर में लोगों से सीखने, सिखाने और समझने की प्रक्रिया के बाद ये समझ में आया कि एक्टिंग का मतलब एक्टिंग करना नहीं होता है, स्पेशली व्हेन यू आर फॉर वर्किंग इन द फिल्म्स और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. बिल्कुल सर. और मुझे लगता है आदित्य का नेटवर्क थोड़ा वीक है, दारा का भी नेटवर्क वीक है, मेरा नेटवर्क तो सही है. मैंने तो जियो फाइबर में यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा नेटवर्क है इन लोगों का. अनिल भाई, मुकेश भाई की कृपा से. तो अभी आदित्य का इंतज़ार करते हैं.
दिशा भी है यहाँ पे। सर तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। प्लीज गो अहेड। आपको इसी फील्ड में जाना है, आपको कब और कैसे रियलाइज हुआ, मतलब जिस एज में हमें हो गया हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमें? मैं 12th स्टैंडर्ड में था एक्चुअली। मैं बचपन से स्टेज प्लेज, स्कूल में प्लेज और मोहल्ले में मिमिक्री कर देना, वो सारी चीज़ें तो मैं करता ही रहता था बचपन से ही। एक स्ट्रीक था मेरे अंदर टूवर्ड्स एक्टिंग। लेकिन जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो किस्सा बड़ा मज़ेदार हुआ कि पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, अच्छा पढ़ता था, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मेरा झुकाव हमेशा रहता था कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ। कभी डांस कर लिया, कभी मिमिक्री कर ली, कभी कोई नाटक में हिस्सा ले लिया, तो ये सब करता रहता था। तो मुझे बचपन में सपने आते थे कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, फिल्मों में काम करना है, लेकिन कह नहीं पाता था क्योंकि तब स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि परिवार और घर और पेरेंट्स जो है जितना आज सपोर्टिव है उतने सपोर्टिव नहीं होते थे, क्योंकि फील्ड भी ऐसा था तब, ज़्यादा स्कोप था नहीं, ज़्यादा मीडियम्स थे नहीं। अभी जैसे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे टेलीविजन शोज़ है, बहुत सारी फिल्में बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, तो एक्टर्स के लिए बहुत सारा काम है। लेकिन जब हम ने शुरुआत की थी तब इतना नहीं था, तब ले दे के एक जी टीवी था, तो मेरे पेरेंट्स बड़े स्केप्टिकल थे इस बात को लेके। लेकिन मैं 12th स्टैंडर्ड में जब आया और मेरे सामने अचानक से मेरे किसी टीचर ने NSD का ब्रोशर मंगवाया था और वो मेरे सामने आ गया किसी तरीके से, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसी जगह जाना है। और उसके बाद भी मैंने BSc केमिस्ट्री किया, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था पर मैंने किया क्योंकि ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। दूसरा, परिवार में आप बता नहीं सकते थे कि आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग को ऐसा करियर नहीं माना जाता था जैसा आज एज अ करियर पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, परिवार भी सपोर्ट करता है। वैसे जब मैं जब टीनेज में था तब उतना सपोर्टिव नहीं था समाज भी, तो मैं छुपाता रहा बहुत समय तक। मैं लोगों को बोलता रहा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, पर अल्टीमेटली मेरे सपने एक्टर बनने के थे, तो मैं वो सपने को पकड़ के रखा मैंने और करता चला गया। तो रास्ते बनते गए और स्कैम आने से पहले भी मैंने 15 साल बहुत जम के एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ एक्टिंग कोच, बहुत सारे जो काम मुझे, मैंने लाइफ में कभी किसी काम को मना ही नहीं किया। मुझे जब भी किसी ने बोला ये करोगे, मैंने बोला हाँ करूँगा, और मैं करता चला गया। तो इन द बार्गेन में बहुत कुछ सीखा भी, समझा भी। मुझे कैमरे के आगे की दुनिया के बारे में या अभिनय के बारे में जितना पता है, जितना मैं जानता हूँ, उतना ही कैमरे के पीछे क्या प्रोसेस होता है वो भी समझता हूँ, वो भी जानता हूँ। इसलिए एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत बहुत एडवांटेजियस है। मुझे पता होता है कि डायरेक्टर किस मानसिकता से गुजर रहे हैं, बाकी टेक्निकल टीम किस मानसिकता से गुजर रही है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा हड़बड़ाता नहीं हूँ जब ऐसी सिचुएशंस होती है। तो मुझे लगता है बिहाइंड द कैमरा जितना काम किया उसका बहुत फ़ायदा एज एन एक्टर होता है, और एज एन एक्टर, एक्टर होने की वजह से मुझे बिहाइंड द कैमरा जो जो काम करता हूँ उसमें बहुत फ़ायदा होता है। सर तो इसके अलावा जब आप किसी क्रिएटिव शो को लिख रहे होते हैं या फिर कोई और काम, जैसे कि आप एज एन ट्यूटर वर्क कर रहे हैं, तो उस समय कितना मुश्किल होता है अपने अंदर के एक्टर को कैरी करना, कि क्या मतलब कैसे आप अपने अंदर को, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को और अपने स्किल्स को कैसे जिंदा बनाए रखते हैं उस वक्त जब आप कोई और काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे का क्या राज है सर? देखो क्या है कि सबसे पहले तो अभी मैं ना कोई शोज वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है जो फिल्में मैंने लिखी हैं उनको बनाने की तरफ। तो फिर भी जब भी मैं लिखता हूँ, जैसे फिल्में भी लिखता हूँ, या तुम्हारा प्रश्न मैं समझ रहा हूँ कि जब मैं लेखन का कार्य करता हूँ या जब मैं टीचिंग का काम करता हूँ तब अपने अंदर के एक्टर को कैसे मैं संभालता हूँ। तो मेरे अंदर का जो एक्टर है ना वो 24 घंटे जिंदा है। एक्टर किसी के अंदर का भी, जो भी एक्टिंग के प्रोफेशन में है, एक्टिंग आप कहीं किताब से नहीं सीख सकते हैं, कहीं भी किसी टीचर से या ट्रेनर से नहीं सीख सकते हैं एक्टिंग। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई एम नॉट एक्टिंग कोच, आई एम नॉट एक्टिंग टीचर, आई एम एन एक्टर्स कंपेनियन। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादा अपने आप को देखता हूं। मुझे कभी ऐसा मुगालता नहीं हुआ कि मैं बहुत
बढ़िया एक्टिंग टीचर हूँ या मैं बहुत अच्छी एक्टिंग सिखा दूंगा। एक्टिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता, एक्टिंग आपको लाइफ सिखाती है। तो एक्टिंग इज अ लाइफ आर्ट। आप 24 घंटे अगर आप एक्टर हो तो आपके अंदर 24 घंटे वो सेंसर ऑन रहता है जो कि आपको एक्टिंग सिखाता रहता है, लेकिन उस सेंसर को पहचानना और उसको ऑन करने की जिम्मेदारी आपकी है। फॉर्चुनेटली मेरा सेंसर ऑन है, तो जब मैं लिख रहा होता हूँ तब जिन पात्रों को मैं लिख रहा होता हूँ वो पात्रों को मैं जी रहा होता हूँ। जब मैं किसी को कोच करता हूँ या किसी के साथ एक्टिंग वर्कशॉप करता हूँ या एक्टिंग सिखाता हूँ तब जो उनके इश्यूज़ है उन इश्यूज़ को मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे मेरे बहुत सारे इश्यूज़ भी सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे जब स्कैम नहीं भी आया था तब भी मुझे कभी परेशानी नहीं हुई कि अरे मैं इतना अच्छा एक्टर होते हुए राइटिंग कर रहा हूँ या इतना अच्छा एक्टर होते हुए लोगों को एक्टिंग सिखा रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का एक्टर हमेशा से सीख ही रहा था और उस सीख की वजह से ही इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट एक्टिंग। और इसीलिए लोगों ने स्कैम देखकर बोला कि लगता ही नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो। तो वही तो एक्टर की जीत है ना, कि सामने वाले को पता ना चले कि आप एक्टिंग कर रहे हो। बिल्कुल सर। और सर एक और सवाल था कि मेरे जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, लगातार काम करना चाहते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं और उन्हें एक लंबा वक्फा हो चुका होता है लोगों को अपने बारे में बताते हुए, अप्रोच करते हुए। उस वक्त एक 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 मोमेंट आता है जब डिसीजन लेना होता है किसी और काम को करने के लिए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कभी कभी लोग भी कहते हैं कि नहीं अभी आप एक चीज को कैरी कर रहे हैं तो लगातार अब मेरे जैसे लोग उसे लंबे वक्त तक नहीं कैरी कर सकते, मैं 5 साल से ज्यादा एक ही चीज पे नहीं रह सकता, मैं रहना चाहता हूं लेकिन परिस्थितियां उसे नहीं बनने देती। उन लोगों के लिए आप कुछ सलाह देना चाहें कि क्या वो कौन से इम्पल्स हैं जो वो कैरी करके चल सकते हैं, दूसरे काम भी कर सकते हैं, अर्निंग सोर्स भी देख सकते हैं। देखो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको इसके लिए ना। तो पहली चीज़ एक तो वी एक बहुत बहुत बढ़िया फ्रेज़ है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वी फॉल 7 times एंड वी गेट अप ऑन 8th time। मतलब हम 7 बार गिरे और 8वीं बार फिर खड़े हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि आप बार बार गिरे और बार बार खड़े हो जाएं, है ना। तो गिरना अलाउड है लेकिन बाद में उठना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, देखिए कितने जितने भी बड़े एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट है किसी भी की भी लाइफ ऐसी स्मूथ रहती नहीं है। जिस एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से आप गुजरते हैं कि यार मुझे जीने के लिए कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा और मेरा ये पैशन है, मेरा आर्ट है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो ये समस्या से हर आदमी जूझता है। जैसे मैं भी शुरू में मुंबई पहुँचा तो कुछ इधर उधर छोटा मोटा एक्टिंग का काम मिला लेकिन कुछ बात बन नहीं रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक्टर अच्छा हूँ, मुझे किसी दिन तो मौका मिलेगा। वो मौका मिलने में 15 साल लगे लेकिन उन 15 सालों में मैंने कभी भी अपने अंदर के एक्टर को मरने नहीं दिया। इवन व्हेन आई वाज राइटिंग और डायरेक्टिंग और असिस्टिंग और व्हाट एवर आई वाज डूइंग, द एक्टर इन मी वाज ऑलवेज अलाइव। तो पहली बात तो ये है कि फॉल 7 times एंड गेट अप ऑन 8th time, राइट। दूसरी बात, हम जैसे हमारे मंदिरों में ना एक चीज़ होती है, उस वो बहुत आ, 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 आपको उससे समझ आएगा। एक होती है अखंड ज्योत जो हर मंदिर में जलती हुई होती है, एक कोने में रखी हुई होती है, वो जलती रहती है। उसके अलावा मंदिर के बहुत सारे काम आते हैं, लोग आते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भंडारा चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वो ज्योत हमेशा जलती ही रहती है। तो एक अखंड ज्योत ना अपने अंदर हमेशा, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, जो कोई भी हो, उसको एक अखंड ज्योत अपने अंदर हमेशा जला के रखनी चाहिए। उसको रोज तेल देते रहना चाहिए, रोज अपने आप को बोलते रहना चाहिए दैट आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम गुड एट दिस, आई विल डू इट, आई एम पैशनेट अबाउट इट, वॉट एवर सूट्स यू। वो आपको अपने आप को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए, सपने देखते रहना चाहिए। ड्रीम्स जो है वो उस अखंड ज्योत का तेल है, है ना। वो अखंड ज्योत आपका पैशन है और उस पैशन का जो तेल है वो आपका ड्रीम है, आपकी आपकी चाहत है, तो उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो आप चाहे किसी दुकान पे बैठे हो अपना जीवन चलाने के लिए, तब भी आपके अंदर वो ज्योत जल रही है। आप सेल्समैन बन गए जीवन चलाने के लिए तो भी चल रही है, आप मार्केटिंग में चले गए तो भी चल रही है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो,
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको, एक तो मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि जिंदगी एक बार ही मौका देती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी आपको बार 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 मौके देती ही रहती है, आप किस मौके को बड़ा बना देते हो या कौन सा मौका किस्मत से बड़ा बन जाता है, हमारे कंट्रोल में तो वैसे भी कुछ नहीं है ना। हमारे कंट्रोल में ना हमारा जीवन है, मतलब ना हमारा जन्म है, ना हमारी मृत्यु है, तो उसके बीच का सब कुछ हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकता है ना। तो दैट इज नथिंग इज इन आर कंट्रोल। व्हाट इज इन आर कंट्रोल इज आर पैशन, व्हाट इज इन आर कंट्रोल इज आर ड्रीम्स, व्हाट इज इन आर कंट्रोल इज आर पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स व्हाट एवर वी वॉन्ट टू डू। तो वो जब तक आपके अंदर वो फायर जिंदा है, तो यकीन मानिए कि ये यूनिवर्स जो है ना बहुत ध्यान से सुनता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो हमारी भाषा नहीं सुनता है, क्योंकि भाषा यूनिवर्स ने नहीं दी है हमको, लैंग्वेज हमको, हम इंसानों ने बनाई है एक दूसरे को उल्लू बनाने के लिए, है ना। कैसे हो? ठीक हूँ, चल रहा है अंदर दावानल, लेकिन बोलता आदमी ठीक हूँ, है ना। तो हम लोग भाषा से एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है इमोशंस की, वो लैंग्वेज हमारे अंदर पहले से क्या कहते हैं इंस्टॉल्ड है। तो वो उस लैंग्वेज को जिंदा रखिए, उसके थ्रू आपको यूनिवर्स सुनेगा। और कभी ना कभी यकीन मानिए कि आप अगर लगे रहोगे तो कभी ना कभी तो वो वक्त आता है जब आपके पास एक ऐसा मौका आता है जहां आपके अंदर जो कुछ है वो आप दुनिया को दिखा सकते हो। तो जितने भी भाई बहन दोस्त यार, जितने लोग भी इस सवाल से जूझ रहे हैं कि यार इस फील्ड में सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल है फाइनेंशियली, तो मैं कैसे अपना जीवन भी चलाऊं और ये काम भी करूं, तो वो अखंड ज्योत जब तक चलती रहेगी, चाहे आप डायरेक्टर हो तो डायरेक्शन की चले, राइटर हो तो राइटिंग की चले, साथ में उसके उसके रिलेटेड काम करते रहिए। जरूरी नहीं कि डायरेक्टर पूरी फीचर फिल्म ही बनाए, वो एक सीन भी शूट कर सकता है। जरूरी नहीं कि राइटर पूरी किताब ही लिखे, वो एक शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकता है। जरूरी नहीं कि एक एक्टर पूरा लंबा चौड़ा रोल ही करे, वो छोटे छोटे रोल्स भी कर सकता है, अपने लिए छोटे छोटे मोनोलॉग्स भी बना सकता है। तो अपने ड्रीम के साथ अपने एक्शंस को जोड़िए, डेफिनेटली यूनिवर्स सुनता है और कभी ना कभी तो मुझे मौका दे आपको मौका देता है। मैं जीता जाता जागता एग्जांपल हूँ आपके लिए, बिल्कुल सर, कि मैं वो ज्योत मेरी जलती रही तो मुझे यूनिवर्स ने मौका दिया और बहुत ही अच्छा हुआ यार, लोगों को काम बहुत पसंद आया, है ना सर। सो इतना ही कह सकता हूँ मैं। उसके अलावा बहुत सारे मेरे साथी हैं, धरा हैं, दिशा हैं, अगर वो कोई और नया प्रश्न सर से पूछना चाहें तो प्लीज। हाँ पूछिए, नहीं तो अगर आपके पास प्रश्न नहीं तो मैं ऐसे भी प्रवचन भी दे सकता। नहीं सर, मैं भी, मेरे पास तो मतलब मैंने लिख के रखे हैं, मैं लगातार बहुत सारी बातें करना चाह रहा था। करेक्ट करेक्ट। तो मैं एक्टिंग टीचर रहा हूँ ना, तो मैं बोलता रहूंगा अगर आप नहीं पूछोगे तो। सर मैं ही आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। कि जो नए एक्टर्स और पुराने एक्टर्स भी उनके उनको फ्रेश बने रहने के क्या तरीके हैं, अलग अलग तरह के उनके पास कैरेक्टर्स आते हैं और वो किस तरह उनकी कोई उनकी कोई रेगुलर प्रैक्टिसेस हो या फिर कौन सा वो तरीका है जो उन्हें अपनाना चाहिए, या आप उस बारे में क्या कहेंगे? यार मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लो एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो अगर नेट प्रैक्टिस करना छोड़ देगा तो वो जाके मैच में सीधा सेंचुरी नहीं लगा सकता, राइट। वैसे ही एक रनर है, मान लीजिए एथलीट है, वो अगर रोज रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेगा अचानक एक दिन जाएगा रेस नहीं जीत सकता है। डॉक्टर अगर रोज मेडिसिन नहीं देगा तो वो अपनी अपनी सारी एजुकेशन को भूल जाएगा। वैसे ही एक्टर भी ना, अगर रोज अपने काम को लेके, अपने क्राफ्ट को लेके सोचेगा नहीं, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके ऊपर बात नहीं करेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो नए एक्टर्स के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रोज सुबह उठ के पहले तो अपने आप को यकीन दिलाएं कि मैं अभिनेता हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा, पहले तो ये बिलीफ जगाए। दूसरा, एक्टर के लिए ना सबसे बेहतरीन किताब, मैं हर वर्कशॉप में अपने हर सेशंस में कहता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन किताब कोई एक्टर अगर पढ़ सकता है तो वो है लोग, इंसान। तो आप जितने ज़्यादा इंसानों को ना केवल ऑब्जर्व करें लेकिन एब्जॉर्ब करें कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो किस स्थिति से गुजर रहा होगा, उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी वॉक कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है,
ये जब आप खंगालेंगे अलग 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 लोगों के बारे में, तो कभी आपको कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा जहां पे आप थॉट प्रोसेस किसी कैरेक्टर की यूज करोगे, साइकोलॉजी किसी की, चाल किसी की, आवाज किसी की, किसी के इमोशंस, अब इमोशंस तो खैर आपके ही होंगे, लेकिन इन सबको मिला के खिचड़ी बना के आप एक नया पात्र पैदा करेंगे। तो बहुत जरूरी है ऑब्जर्व करना, लोगों को एब्जॉर्ब करना, लोगों को ध्यान से सुनना, ये नए एक्टर्स को ना बहुत जरूरी है ये सीखना समझना। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या होता है कि एक्टर जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है ना एक्टिंग एक्टर बनने के सपने के साथ, तो वो बहुत सारे एक्टर्स को देखता है और अपने आइडियल्स बनाते जाता है कि ये फलाना एक्टर बहुत अच्छा है, ये एक्टर बहुत बढ़िया है, और उसी ट्रैप में फंस जाता है। 90% ऑफ एक्टर एक्ट्स लाइक अदर एक्टर्स, जो उनके आइडियल्स होते हैं वो उनके अंदर रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो एक्टर को इससे बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। उसको वो खुद क्या है, एज अ ह्यूमन कौन है वो, एज अ पर्सन कौन है वो क्या फील करता है, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, खुद को ढूंढना बहुत जरूरी है। जब इंसान खुद को ढूंढ लेता है तो जो बाकी सब एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब और ऑब्जर्व किया हुआ है वो सब साथ में आता है और एक नए पात्र का निर्माण होता है और वही ओरिजिनल और नया लगता है। आप किसी और एक्टर की तरह एक्टिंग करोगे तो आप नए नहीं लगोगे ऐसा। और सर इसी क्वेश्चन में मैं ज्वाइन करना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन रहा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला, या फिर मतलब आपने बहुत ज्यादा उनसे प्रेरणा मिली हो, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा हो तो? मेरी लाइफ में तो बहुत सारे इंसान हैं ऐसे जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है और मैंने क्राफ्ट सीखा है, पर लाइफ की जो प्रेरणा मिलती है मुझे मेरी माताजी से मिलती है, मेरी मम्मी से मिलती है, जीवन जीने की प्रेरणा। वो हमेशा कहती है कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो, तो वो अपने आप अच्छा होता जाएगा। लेकिन एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, जैसे मैं सयाजीराव यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, वहाँ के टीचर्स, NSD के मेरे टीचर्स, सीनियर्स, बहुत सारे वेस्ट के एक्टर्स, बहुत सारे इंडियन एक्टर्स, उन सब एक्टर्स के स्किल्स को, उनके क्राफ्ट को मैं देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग इतने एफर्टलेस कैसे काम करते हैं, उसी एफर्टलेसनेस को अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही सहजता से अभिनय करने की कोशिश करता हूँ। तो जितने भी एक्टर्स हैं, बुरे एक्टर से ये सीखने को मिलता है कि ये नहीं करना है, और अच्छे एक्टर से ये सीखने को मिलता है कि ये करना है ना। तो बहुत लोगों से इंस्पिरेशन मिली है मुझे, टीचर्स हो गए, मेरे बैचमेट्स हो गए, उन सबसे मैंने सीखा है, समझा है। आज भी मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि मुझे एक्टिंग आती है, मुझे और सीखना है। तो मैं हर एक्टर को बहुत ध्यान से देखता हूँ। अभी मैं परसों ही मैंने हसीन दिलरुबा फिल्म देखी, तो उसमें मैं विक्रांत मैसी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था कि वॉट इज़ इट दैट ही इज़ डूइंग विच वी आर लाइकिंग। तो प्रोसेस हमेशा चालू ही रहता है, जिंदगी हमारी टीचर है, उससे हम सीखते रहते हैं। और सर जो आप मतलब किसी भी कैरेक्टर आपके पास आने के बाद उस कैरेक्टर को अप्रोच करने का शुरुआती तरीका सर आपका जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप जी। सबसे पहला तरीका तो ये है जो मैं अपने वर्कशॉप्स में भी बताता हूँ कि जब भी स्क्रिप्ट आती है ना एक्टर के पास, तो ये गलती मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ और बहुत सारे एक्टर्स करते हैं ये गलती, कि जैसे ही स्क्रिप्ट आती है ना तो वो पढ़ते हुए परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो आखिरी स्टेप है। ये गलती मैं भी बहुत सालों तक करता रहा, फिर मुझे समझ में आया कि ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है मेरे लिए, जो मुझे लगता है इफेक्टिव है, वो ये है कि जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो मैं पहले सोचता हूँ कि इस स्क्रिप्ट का हिस्सा मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं हूँ। तो मुझे वो स्क्रिप्ट थर्ड आई व्यू से देखने का मौका मिलता है, उसको मैं ऑब्जेक्टिवली देख पाता हूँ, उसको मैं डिटेक्टिव की तरह देख पाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं बन गया हूँ। जैसे मुझे बाहर का व्यक्ति मेरे सर को भी देख पाएगा, मेरी पीठ को भी देख पाएगा, मेरे घुटने भी देख पाएगा, घुटने के पीछे भी देख पाएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरी पीठ नहीं देख पाऊंगा कभी भी। लेकिन
जब मैं अपने आप को थर्ड आई व्यू से देखता हूँ, दूर से देखता हूँ, तो मैं देख पाऊंगा। तो वही कोशिश करता हूँ कि मेरा जो जो स्क्रिप्ट को अप्रोच करने का प्रोसेस है ये, कि जब पहली बार मेरे पास आता है, जो बात होने के बाद, ऑडिशंस हो जाने के बाद, तो मैं पहले देखता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं बिल्कुल जासूस की तरह उस कैरेक्टर के बारे में ढूंढने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, और फिर या तो मैं वो कैरेक्टर बनने की कोशिश करता हूँ या उस कैरेक्टर को मेरे अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ और फिर परफॉर्म करता हूँ। आपका माइक ऑफ है, सॉरी, नो प्रॉब्लम। एक और था कि जब आप हंसल सर के साथ काम करना शुरू कर रहे थे और एक एक्टर की अप्रोच, और एक इतने महान डायरेक्टर हैं हंसल सर, उनकी उनकी अप्रोच, दोनों को एक ट्रैक पे लाने के लिए वो कौन सी, और उनके अप्रोच के बारे में बिल्कुल जानना चाहूंगा कि वो किस तरह से अप्रोच करते हैं, और फिर एक एक अच्छे एक्टर की अप्रोच और फिर एक अच्छे डायरेक्टर की अप्रोच क्लैशेस होती है या नहीं, या फिर कैसे एक ट्रैक पे आती है, वो जर्नी सर जानना चाहूंगा। देखो, हंसल सर ने इतना सारा काम किया है और इतने ज्यादा फेलियर से वो गुजरे हैं जीवन में, तो उनका उनका एक ओरिएंटेशन अलग तरह का है जिंदगी को लेकर। वो बहुत सहज इंसान है, वो ना किसी को ज़्यादा देर तक याद रखते हैं, ना किसी को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। दूसरा, वो राइटिंग का जो प्रोसेस है, मुझे लगता है किसी भी कंटेंट क्रिएशन का जो सोल होता है वो स्क्रिप्ट होती है, और उसके ऊपर हंसल सर की बहुत बढ़िया पकड़ है। वो राइटिंग में बहुत टाइम देते हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ करते हैं। तो जब स्क्रिप्ट हमारे पास आई थी स्कैन की, तो हम लोग ऑलमोस्ट एक पेज पे थे, उसमें क्लैश हुए ही नहीं। क्लैश सिर्फ इतना हुआ कि मैं थोड़ा सा हल्का बना रहा था अश्विन के कैरेक्टर को, मैं कहीं कहीं पे एक आध दो इम्प्रोवाइजेशंस में मैंने थोड़ा मजाक भी कर दिया, तो उन्होंने मुझे बहुत सहजता से समझाया कि ये कैरेक्टर नहीं है, ये तुम कैरेक्टर से हल्का सा बाहर चले गए, और फिर मैंने वो काट दिया वो करना। सो क्लैशेस कुछ नहीं हुए। एक दूसरी एक बात हुई थी कि मैं एक्ट करते समय थोड़े हाथ ज़्यादा हिला रहा था, तो उन्होंने बोला था कि बस हाथ को कंट्रोल कर लेना, बाकी मी एंड ही वॉज ऑन द सेम ट्रैक। जहाँ मैं कैरेक्टर से थोड़ा सा बाहर जाता था किसी इम्प्रोवाइजेशन में, होता है एक्टर के साथ ना, कभी कभी एक्टर फैल जाता है, तो मैं भी फैला थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। और उनका प्रोसेस इतना सहज है, इतना बढ़िया प्रोसेस है, कि किसी भी एक्टर को कभी भी प्रेशराइज फील नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पूरा फिल्म मेकिंग होता है वो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कि कैमरा जहाँ दिखा रहा है, जितना फ्रेम है, उसी में एक्टर को मैनेज करना होता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, कैमरा वॉज ऑलवेज फॉलोइंग अस, कि हम जो कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है। तो हम बहुत सहज थे, हम लोग बहुत बहुत ईजी था उनके साथ काम करना, और कभी कोई क्लैश नहीं हुआ। बस हम हमेशा ये दुआ करते थे, उम्मीद करते थे कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम खरे उतर जाएं। और धरा कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ, धरा, दिशा, सर, स्कैम 1992 के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगी, या फिर उसका कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आप कभी ना भूल पाए, ऐसा कोई मोमेंट जानना चाहूंगी। यार, पूरा स्कैम का जो पूरा प्रोसेस है शुरू से लेकर अंत तक, वही ऐसा मोमेंट है जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और मुझे लगता है हमारी कास्ट के सारे मेंबर्स और क्रू के मेंबर्स कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तब तो हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा हिट होने वाला है। तब तो हम सब ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, तो वो ईमानदारी जो है काम करते वक्त जो हम सब ने महसूस की, सब लोगों में, चाहे वो सेट डिपार्टमेंट हो, लाइट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, सब लोग अपनी ईमानदारी से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर ये सबसे बड़ी लर्निंग है कि जब सब लोग ईमानदारी से अपना इनपुट देते हैं तो चीज़ अच्छी बनती है।
सर एक और मेरे पास सवाल है कि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे थे और बच्चों में मतलब ये मैंने भी मतलब शायद इंडिया में हैदराबाद यूनिवर्सिटी जाने के बाद ही एक्सप्लोर किया था कि बच्चों के साथ काम करना जितना डिफिकल्ट होता है उतना ही उनके लाइफ को चेंज करता है। तो सर बच्चों के साथ काम करते वक्त के आपके कुछ एक्सपीरियंस और आपकी राय और थॉट्स? यार बच्चों के साथ जब भी मैं काम करता हूँ या जब भी मैंने काम किया है तो मैं हमेशा दो चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप बच्चों के सामने ना झूठ नहीं बोल सकते, आप बच्चों को उल्लू नहीं बना सकते, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, है ना। और दूसरी बात कि बच्चों को कभी बच्चा मत समझो, उनको मैं एडल्ट्स की तरह ही ट्रीट करता हूँ। मैं उनको कभी ये नहीं करता अरे कुछी आ जा बच्चा कर ले बच्चा, कुछ नहीं करता मैं। मैं सीधा बोलता हूँ चल आ जा खड़ा हो जा चल करके दिखा कुछ, अच्छा तूने ये ठीक किया ओके चल ये अच्छा नहीं किया ये चेंज कर दे। सो आई नेवर ट्रीट देम लाइक यू नो किड्स, आई ट्रीट देम लाइक एडल्ट्स, आई ट्रीट देम लाइक अ यू नो ग्रोन अप आर्टिस्ट। तो ये मुझे बहुत और उस वजह से क्या हो जाता है कि बच्चे भी मेरे साथ बड़े सहज हो जाते हैं। बच्चों के साथ इशू ये होता है कि वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन वो अंदर छुपा के रखते हैं, उनको सब समझ में आता है। एक बार बच्चा 10 11 12 साल का हो जाता है तो उसको जीवन के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में सब समझ में आने लगता है, लेकिन हम उसको कुछी पुछी करके उसकी वो सारी भावनाओं को दबाते रहते हैं। तो मैं वो नहीं करता हूँ। I treat them like my friends, I treat them like you know grown-ups, और वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और चाहे थिएटर आर्ट की फील्ड हो या सिनेमा की फील्ड हो, बच्चों के आने वाले टाइम के लिए कैसे सपोर्टिव हो सकता है या लोग अप्रोच करें एक्टिंग जैसी फील्ड में अपने छोटे से बच्चे को अगर लेके आए तो क्यों, मतलब ऐसे कौन से आप पॉइंट्स कहना चाहेंगे? यार बहुत सारे पॉइंट्स है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि जैसे मेरे भी दो बच्चे हैं लेकिन अभी तक मैंने उनको एक्सपोज नहीं किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो फिल्म मेकिंग का काम है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब जिसमें बहुत एनर्जी लगती है। तो मैं डेलिब्रेटली मेरे बच्चों को चाहता नहीं था कि इतनी जल्दी उनके ऊपर वर्कलोड आ जाए, तो मैंने एक्सपोज नहीं किया। लेकिन अगर अपने आप जो माँ बाप अपने बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहते हैं अपने बच्चों को, मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले अपने बच्चे को बिल्कुल बचपन जीने दो, ज़िंदगी समझने दो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा छोटी सी उम्र में सेलिब्रिटी बन जाता है, फिर कुछ दिनों तक वो रियलिटी शो चलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है, फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा जूझता है, उसको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा जो आदत पड़ जाती है पॉपुलैरिटी की, उससे जूझना पड़ता है जब नहीं होता है, वो चला जाता है जब फिर। तो मैं ये कहता हूँ कि डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन, जस्ट डू इट फॉर फन, जॉय के लिए उसको करना चाहिए, बच्चों से काम करवाना चाहिए या बच्चों को इस फील्ड में आने देना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को थिएटर करवाना ही चाहिए, थिएटर इज़ मस्ट। उससे वो सारी चीज़ें अलग है कि वो एक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, वो एक अच्छा इंसान बनेगा, वो लोगों के साथ रहना सीखेगा, वो लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखेगा, अडेप्ट करना सीखेगा, वो सारी बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इस फील्ड में जाए, तो यस चाइल्डहुड में थिएटर ज़रूर करवाएं और बिना एक्सपेक्टेशन के इस फील्ड में आए। दूसरा करियर वाइज देखा जाए तो अभी इतने सारे, जैसे सोशल मीडिया, एक टाइम ऐसा होता था कि एक्टर को ऑडिशन देना पड़ता था, फिर कोई चैनल उसको चूज़ करता था, फिर वो उसको किसी शो में काम मिलता था और काम मिलने के बाद उसको पॉपुलैरिटी मिलती थी। आज ऐसा नहीं है, आज सोशल मीडिया अपने आप में एक चैनल है। तो उस चैनल पे अगर आप कुछ सेंसिबल कंटेंट लेके आते हो, कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आते हो जो लोगों को पसंद आए, तो आप घर बैठे बैठे सेलिब्रिटी बन सकते हैं, घर बैठे बैठे अपना करियर चला सकते हैं। लोग यूट्यूब इसको उसको गालियाँ देते हैं लेकिन कोई गलत नहीं है उसमें, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन कहीं और है, मैं किसी और तरह का क्राफ्ट करना चाहता हूँ। अगर आदमी ईमानदारी से यूट्यूब भी करे तो आज मिलियंस में खेल रहे हैं यूट्यूब स्टार्स ना, तो अगर आपके अंदर परफॉर्मिंग क्वालिटी है तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके
सोशल मीडिया को अप्रोच किया जा सकता है, आपका फोन आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। इसी में ऐड करना चाहूंगी कि आपको लगता है कि इसे एजुकेशन में एक एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रखना चाहिए, एक्टिंग मतलब थिएटर एक्टिंग को, थिएटर को रखना चाहिए? मैं डेफिनेटली इस बात को सपोर्ट करता हूं, मानता हूं कि थिएटर शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड फर्स्ट। पहले स्टैंडर्ड से ही धीरे धीरे बच्चों को थिएटर में, उससे बहुत अच्छी क्लास की भी केमिस्ट्री बनेगी, उससे बहुत अच्छा एक इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल जो कहा जाता है उसको, ही विल बिकम अ बेटर सोशल एनिमल एक बच्चा तो या बच्ची, तो इसके लिए बिल्कुल होना चाहिए। इवन NSD का तो एक थिएटर इन एजुकेशन नाम का प्रोग्राम है पूरा जो सालों से चल रहा है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर किड्स टू पार्टिसिपेट इन थिएटर। सर इसमें अप्रूवल मिल चुका है शायद अभी नए जो एजुकेशन नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें थिएटर कंपलसरी है हर स्कूल को अपने, मतलब पहले डांस और म्यूजिक पढ़ाना होता था, अब थिएटर भी कंपलसरीली पढ़ाना होगा हर स्कूल को। इसके अलावा सर जब अभी कुछ सिनेमा में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, जब बहुत सारे प्रोडक्शंस छोटे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, MP की गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी स्टार्ट की है। मैं भी अपनी फिल्म MP में प्लान कर रहा हूँ। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, हमारी सारी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। उसके अलावा सर मतलब मेरा उसको लेके ये सवाल था कि जब एक टाइम पे ये होता था कि हम बॉम्बे जाते थे और बॉम्बे में ही सारी चीजें हमें ढूंढनी होती थी, अपने गोल्स तक पहुंचना होता था, और जब अब इंडस्ट्रीज छोटे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक्टर्स को बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो सर उनको लेके आप क्या? इसमें नुकसान तो कोई है ही नहीं। देखो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बॉम्बे जैसे एक्सपेंसिव शहर में आके रहना नहीं पड़ेगा, है ना। आज जैसे मुकेश छाबड़ा का एक ऑफिस अभी भोपाल में खुला है, एक उसने चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में। व्हाई ही इज डूइंग दैट? क्योंकि अभी एक्टर्स को ना मुंबई आकर रहने की जरूरत नहीं है, अभी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। जब हमने शुरुआत की थी 2003-04 में तब ऐसा नहीं था, तो हमको ऐसे फोटो की बहुत सारे प्रिंट्स बना के अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में जाकर देने पड़ते थे, और उसमें से कभी कोई कॉल आ जाती थी, ऑडिशंस होते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी आप जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो सारे आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, ईमेल्स उनके अवेलेबल है, यू कैन ईजिली सेंड योर वर्क टू देम, और बहुत आसानी से उन तक पहुँच भी जाता है, और कभी कोई स्पार्क दिखता है तो वो बुला भी लेते हैं। दूसरा, मुंबई से बाहर जाके इसलिए भी फिल्में शूट हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन वाइज कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अभी भोपाल जैसे शहर में बहुत सारे एक्टर्स मिल जाते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज शूट की है वहाँ पे 2-4 दिन, तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो इट इज़ बेटर। द इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, छोटे छोटे शहरों में जा रही, तो जो छोटे शहर के लोगों के जो सपने थे, अब सिर्फ भोपाल के बच्चों के सपने पूरे नहीं होंगे, भोपाल के आसपास के 50-100 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं, लखनऊ के साथ ऐसा हो रहा है, चंडीगढ़ के साथ ऐसा हो रहा है। दूसरा, बॉम्बे इतना ज़्यादा फिल्मों में एक्सपोज हो चुका है कि अब थोड़ा दूसरा कुछ भी एक्सपोज हो। मुंबई में अभी बहुत सारी फिल्में स्टूडियोज़ में बनती है क्योंकि वो सेट, जैसे बंसाली साहब अपनी ज़्यादातर फिल्में फिल्म सिटी में बड़े बड़े सेट्स लगा के शूट करते हैं। बॉम्बे का एक एडवांटेज ये है कि इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग यहाँ बसे हुए हैं, पर उन तक आपको तब पहुँचना है जब आप कुछ कर लेंगे, तो जब तक कुछ कर लेने तक की बारी आती है। आज देखो सारा नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन, एवरीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, स्क्रीन राइटिंग, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो आप कहीं, अब आपके पास अगर इंटरनेट है, आपके पास एक ठीक ठाक सा लैपटॉप या फ़ोन है, तो आप यू कैन गैदर दैट नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कैमरा हर जगह अवेलेबल है, यू कैन शूट इट एनीवेयर। एक्टर्स हर जगह अवेलेबल है, यू कैन शूट इट एनीवेयर। एडिट सॉफ्टवेयर्स इतने सारे अवेलेबल है, यू कैन एडिट एनीवेयर। तो फिर क्यों रहना है मुंबई में इतना खर्चा करके, है ना। मुंबई एक्सपेंसिव सिटी है, आपको सबसे बड़ा सवाल ही ये सताता है कि शहर में जीऊँ कैसे, खाना कैसे खाऊंगा, महीने का भाड़ा कैसे भरूंगा,
तो उन सारे सवालों से अगर आपको नहीं जूझना है तो इट इज़ बेटर दैट यू स्टे इन योर सिटी एंड क्रिएट योर ओन कॉन्टेंट एंड रीच आउट टू पीपल ऐसा। लेकिन सर मतलब एक मुझे उसका एक मतलब मैंने अभी तक देखा है नुकसान जो कि झेलना पड़ रहा है एक्टर्स को, कई सारे मतलब मैं सॉरी कहना चाहूंगा डूडलिंग वर्ड्स की तरफ से डूडलिंग वर्ड्स को कि मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे कि कई सारी एजेंसीज हैं बीच में जो कि एक्टर का हक बीच में ही तोड़ देते हैं, बीच में ही मार देते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक्टर्स को क्या करना चाहिए? यार एक्टर्स को लड़ना चाहिए, एक्टर्स को वो होने नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने नहीं होने दिया अपने साथ, मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए उसके लिए। जो आप मैनेजर्स रखते हो या जो आपका लीगली जो होता है काम वो ठीक है, बाकी जहाँ कोई कहता है ऑडिशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, जहाँ कोई कहता है कास्टिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे, उस आदमी को पहले डिस्कार्ड कर दो क्योंकि इंडस्ट्री वो डिमांड नहीं करती है। जितने भी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, चाहे मुकेश ले लो, चाहे अभिषेक बैनर्जी ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, अपना टेस जोसेफ को ले लो, जितने भी है कविश को ले लो या मयंक बावा, जो भी मेरे जितने भी नाम मुझे याद आ रहे हैं, ये सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी एक रुपया किसी को चार्ज नहीं किया एक्टर को, क्योंकि वो प्रोडक्शन देता है उनको। जो झोलर होते हैं जिनको लटकाना होता है आपको, जो खुद लटके हुए हैं, वही लोग आपसे पैसा मांगते हैं, वही लोग बीच में कटकी खाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से एक्टर्स को बिल्कुल उसको पहले डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसके शिकंजे में फंसना ही नहीं चाहिए। एक बहुत सिंपल टेस्ट है, जहां आपसे ऑडिशन के लिए पैसे मांगे जाए, समझ लीजिए वो फेक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना। तो और दूसरी बात देखो क्या है कि प्रैक्टिकलिटी भी समझना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि बहुत लोग एक्टर्स का हक मार लेते हैं, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, एवरी इंडस्ट्री हैज़ बैड पीपल एंड गुड पीपल। तो वहाँ अगर आप किसी कंपनी में, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब करता है तो उसको भी ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है ना। करप्शन कहाँ नहीं है, तो आप अपने आप को कैसे बचाते हो और आप उससे कैसे लड़ते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, मतलब मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा सवाल आए और मैं चाहूँगा कि धरा एक बार और अपने टीम मेंबर्स को बोलें कि अगर कोई और सवाल किसी के पास हो तो ज़रूर तो बताएं, नहीं तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका ड्रीम क्या, ऐसा कुछ जो आप चाहते हो बट वो अभी तक पूरा ना हो पाया हो? क्या क्या बोल रहे हो आप? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मतलब ऐसा कुछ जो बहुत रेयर हो, बहुत बड़ा हो, जो आप हमेशा से चाहते हो? यार मैं ना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं एटर्नली ऑप्टिमिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास अभी जिंदगी बची है। ये सवाल का जवाब मैं अपने डेथ बेड पे दूंगा कि ये चीज़ नहीं कर पाया मैं, क्योंकि अभी तक जहाँ से मैं आया हूँ, जिस छोटे से गांव से मैं निकला हूँ और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वहाँ तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ तक तो पहुँचा हूँ, इतने सालों से सर्वाइव कर रहा हूँ मुंबई में, बहुत अच्छी फैमिली परिवार सब कुछ बहुत बढ़िया है और अच्छा काम भी मिल रहा है आप लोगों की दुआ से। तो अभी बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जिनके क्लोज़र मैं जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाएंगी। तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा जो मुझे लगता है कि मैं करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। अभी है टाइम, अभी जो नहीं हुआ है वो कर लूँगा, और नहीं कर पाया तो भी क्या ऐसा। ठीक है, और कुछ है सवाल? हाँ सर, बस एक क्वेश्चन और है, बहुत जनरल। आपने पेंडेमिक से क्या सीखा? पेंडेमिक से मैंने पेशेंस सीखा। मैं पेंडेमिक से पहले बहुत इम्पेशेंट आदमी था। पहले पेंडेमिक में तो मैं बहुत पहले लॉकडाउन में तो मैं बड़ा खुश था कि हाँ मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भी नहीं कर रही, बहुत बढ़िया। अब तक हम नहीं कर रहे थे, दुनिया कर रही थी, अब कोई नहीं कर रहा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उस दौरान मैंने बहुत काम किए, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन एक्टिंग सेशन्स किए,
मैंने बहुत कुछ लिखा, मैंने फिल्म भी शूट की एक लॉकडाउन के दौरान। सेकंड लॉकडाउन में मैं थोड़ा सा जो सेकंड वेव के टाइम अप्रैल मई का जो महीना था, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे भी कोविड हो गया था अप्रैल में, और एक शरीर को आदत पड़ गई थी वो लेजीनेस की, पड़े रहने की, खाओ दवाई खाओ सो जाओ, तो वो लंबे अरसे तक वो फ्रस्ट्रेशन चला मेरा। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार अपने कंट्रोल में तो कुछ नहीं है ना, अपन ने तो वायरस बनाया नहीं है, वायरस किसी और ने बनाया है, और अपन जितना कर सकते हैं उतना अपन कर रहे हैं, तो पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा, एंड टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। सर अगर अभी आपके पास टाइम हो तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए होंगे, मैं भी टीचर हूँ तो मैं जानती हूँ कि हर टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आए होंगे जो एक्टिंग नहीं जानते हैं बट उन्हें करनी है, तो उनको टैकल करने का आपका क्या तरीका रहता है, या आप कुछ सजेशन दें कि ऐसे स्टूडेंट्स को टैकल कैसे करना चाहिए? मैं दो चीज़ें करता हूँ। एक तो पहली चीज़ कि मुझे एज एन एक्टिंग कंपेनियन समझ लो या एक्टिंग टीचर समझ लो, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग जो है ना एक स्किल है। जैसे आप कारपेंट्री सीख सकते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, जैसे आप मोटर मैकेनिक बन सकते हो, वैसे आप एक्टर भी बन सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आखिरी मोमेंट तक कोशिश करता हूँ कि जिसके अंदर बिल्कुल नहीं है उसको भी मैं कुछ ऐसा कुछ चीज़ दे दूं जिससे उसका वो हुक बन जाए, उसका वो एंकर बन जाए और उसका करियर बने। लेकिन जब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि नहीं है पॉसिबल, तो मैं उसको बिल्कुल नग्न सत्य बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ उसके मुंह के ऊपर कि तुम बहुत ही वाहियात एक्टर हो, तुम्हारे अंदर नहीं है, यू डोंट हैव इट इन यू, यू शुड डू समथिंग एल्स, ये तुम करोगे तो अपने जीवन का बहुत सारा अच्छा समय बर्बाद करोगे, मत करो। ये मैं बात बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट होके बताता हूँ। तो जब भी मैं कभी भी एक्टिंग क्लासेस लेता हूँ या कभी भी करता हूँ, तो मैं पहली ही जो मेरा दिशा चली गई, लेकिन मैं ये आखिरी बात बता दूँ दिशा की, जब सर सॉरी यही थी, हाँ मैं ये एक्चुअली मेरा भाई आया एंड ही सी, ये तो हर्षद मेहता है, ये तो हर्षद मेहता अश्विन मेहता, सॉरी सो दैट्स व्हाई आई हैव टू ऑफ द कैमरा, सॉरी। कोई बात नहीं। तो मैं जब भी कोई अपनी क्लासेस होती है या कभी भी मैं एक्टिंग सेशन शुरू करता हूँ, तो सबसे आपके भाई को भी हेलो मेरी तरफ से, कि सबसे पहले हेलो हेलो बोल रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं लोगों को बताता हूँ ना, मैं ये बताता हूँ कि मैं ब्रूटली ऑनेस्ट आदमी हूँ। मतलब मैं आपका आपको बिल्कुल ऐसा सत्य बताऊँगा जिससे आपको दुख बहुत होगा, लेकिन उससे आपका भला भी हो जाएगा। तो यही करना चाहिए हर टीचर को, ये बता देना चाहिए, उसको दुख हो तो हो, लेकिन वो आगे जाके जीवन में आपको याद रखेगा कि अच्छा हुआ उस आदमी ने मुझे सही बता दिया था, ताकि मेरी मैं दिशा नहीं भटका। समझ गई दिशा जी? सर और मतलब इतनी सारी बातें हुई, मतलब सबसे ज्यादा मेरे प्रश्न थे, इसलिए हम अपने टॉपिक से ज्यादा भटके। एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग। तो मैं चाहता हूं कि सर आप अपने तरफ से ही इसे कंक्लूड करें कि यार एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग। मैं इसलिए कहता हूं, मैं थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूं। थिएटर में क्या होता है कि आपके सामने 1000 लोग, 500 लोग, 800 लोग, ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो आपको अपने अंदर जो भी चल रहा है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो आखिरी सीट पर बैठे हुए आदमी तक पहुंचाना होता है, इसलिए वहां पे यू नीड टू हैव दैट परफॉर्मेंस क्वालिटी। लेकिन जब फिल्म की बात आती है, जैसे स्टेज के ऊपर आप गए, खाली स्टेज है और आपने चिल्ला दिया मैं इलाहाबाद में हूँ, लोग तुरंत मान लेंगे, क्योंकि ऑडियंस प्रिपेयर होके आई है कि ये स्टेज खाली स्टेज पे भी बोलेगा इलाहाबाद में हूँ तो हमको इलाहाबाद दिख जाएगा। वो ब्यूटी भी है थिएटर के आर्ट की, कि हर आदमी अपने अपने तरह का इलाहाबाद इमेजिन कर रहा है। लेकिन फिल्म में क्या होता है, फिल्म में लोग रियल देखने के लिए आते हैं। फिल्म में अगर आप खाली स्क्रीन पे मैं इलाहाबाद में हूँ बोलोगे तो नहीं मानेंगे, आपको इलाहाबाद दिखाना पड़ेगा। दूसरा, फिल्में जो होती है वो किसी भी पात्र की ना सिलेक्टिव लाइफ होती है। मान लीजिए एक पात्र की कहानी सुबह से शाम तक की है, लेकिन आप पूरा इवेंट नहीं दिखाते हो, आप उस सुबह का एक सीन दिखाओगे, दोपहर का एक दिखाओगे, शाम का एक दिखाओगे, तो आप उसकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को चुन लेते हो, और उन हिस्सों को चुनने के बाद उसको एक कहानी का रूप देते हो।
तो फिल्म्स आर मोर लाइफ लाइक, क्योंकि उसमें सिलेक्टिव लाइफ है. सो इन दैट लाइफ लाइक वर्ल्ड यू कांट परफॉर्म लाइक यू आर नॉट लाइफ, यू आर परफॉर्मिंग. आप प्रिटेंड नहीं कर सकते, आपको भी उतना ही बीइंग ट्रू टू द सिचुएशन रहना पड़ेगा, ट्रूथफुल रहना पड़ेगा, रियल रहना पड़ेगा, ताकि उस रियल वर्ल्ड के अंदर आप जेल कर जाओ. इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग, एक्टिंग इज अबाउट बिकमिंग, एक्टिंग इज अबाउट बीइंग दैट कैरेक्टर. कैरेक्टर की तरह परफॉर्म नहीं करना है, कैरेक्टर बन के परफॉर्म करना है, कैरेक्टर हो जाना है. तो वो जो हो जाने की प्रक्रिया है वो जीवन में है, लाइफ में है. हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम हो जाता है ना, वैसे ही अभिनय हो जाना चाहिए. अभिनय करना पड़े तो फिर प्रॉब्लम है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्टिंग, एक्टिंग में से एक्टिंग करना निकाल दो तो सब सही हो जाएगा. एक्चुअली में एक्टिंग कुछ है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब आपको उस समय और स्थान पे जीवित रहना पड़ेगा, उस समय और स्थान पे ही रहना पड़ेगा जब आपका सीन चल रहा है. आपको उस सीन के बाहर, हम ज्यादातर जीवन में तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ही घूमते रहते हैं ना मेंटली, कभी आगे की सोच रहे हैं कभी पीछे की सोच रहे हैं, हम उस मोमेंट में तो होते ही नहीं है. तो अगर हम उस मोमेंट में रहना सीख जाए तो अभिनय भी उस मोमेंट में रहकर आप करेंगे तो वो अभिनय नहीं होगा, वो उस मोमेंट को जीना हो जाएगा. और इसलिए अभिनय में से अभिनय को निकाल दो. हाँ सर, कभी मतलब मेरे भी थिएटर करते वक्त कई मतलब कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे भी कई बार टोका कि प्लीज डोंट एक्ट, गो जेन्युइनली गो. तो ये सारी चीजें मैंने भी फेस करी हैं. तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए फिर से. तो धरा से मैं चाहूंगा कि अगर और कोई बात हो तो जरूर करें, नहीं तो सर आपका इतना कीमती समय हमें मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और ऐसे सेशंस करते रहिए और लोगों से मिलवाते रहिए लोगों को. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच. यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ प्रीशियस टाइम. और अब हमारे पास सवाल तो बचे नहीं है और हम आपका समय फिर से वेस्ट कर नहीं सकते हैं. सो वी एंड द सेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.